यस हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। आज के सेशन को स्टार्ट करें। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसका पूरा हिस्ट्री जो है आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले कि किस तरीके से कौन से कंप्यूटर के जनरेशन में किस टाइप के कंप्यूटर आए थे, कौन से टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था, फर्स्ट जनरेशन के क्या ड्रॉबैक थे जिसको सेकेंड जनरेशन या अपकमिंग जनरेशन के अंदर कवर अप किया गया था। तो ये सारी चीज़ें जो है आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरीके से वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐप का लिंक एंड वेबसाइट का लिंक जो है दोनों ही आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप एंड वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। सारी अपकमिंग एग्जाम्स का नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगा और सारी डिटेल जो है आपको वहीं मिल जाएगी। ओके, साथ ही जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज़ यदि आप बाय करना चाहते हैं जो कि परीक्षा ऐप के द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है, जिसके अंदर 15 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और यदि आप ये कूपन कोड यूज़ करते हैं जो कि ग्लोबल 50, तो इस पर आपको 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। यदि आप ग्रुप 3 एंड ग्रुप 4 की भी तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर भी यदि आप सेम कूपन कोड यूज़ करते हैं तो उसमें भी आपको 50% का ऑफ दिया जाएगा। इस ऐप का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप फ्री मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं और साथ ही आप इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो सबसे पहले शॉर्ट में हम लोग देख लेते हैं टोटल 5 जनरेशन के बारे में आज के सेशन में हम लोगों को डिस्कस करना है। साथ ही कुछ इसके क्वेश्चन भी आज के सेशन में डिस्कस हम लोग कर लेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 1940 टू 1956 सबसे फर्स्ट जनरेशन इसको यहाँ पर माना जाता है जिसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। मतलब उस कंप्यूटर को बनाने के लिए कौन से कंपोनेंट लगे थे, तो वैक्यूम ट्यूब जो जिसको निर्वात ट्यूब हम लोग बोलते हैं उसका प्रयोग किया गया था। सेकेंड जनरेशन की बात करें जो कि 1956 से 1963 का समय था, इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, कंप्यूटर का साइज थोड़ा सा रिड्यूस हो गया, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर प्रयोग किए जाते थे वो बहुत बड़ी साइज के थे, एक रूम के साइज के थे। ठीक है, उसको फिर थोड़ा छोटा किया गया, ट्रांजिस्टर का यूज किया गया तो उनका साइज थोड़ा और कम हो गया। फिर 1964 टू 71 का जो टाइम रहा है उसमें थर्ड जनरेशन आई थी, यानी कि कंप्यूटर को बनाने के लिए आईसी का प्रयोग किया जाता था, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अब 72 टू 89 की बात कर ले तो फोर्थ जनरेशन आ जाता है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट की जगह हमने क्या किया, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया। और 1989 से लेकर अब तक जो आ रही है वो फिफ्थ जनरेशन है, जिसमें एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टेक्नोलॉजी है इसका प्रयोग किया गया। ठीक है, वन बाय वन करके सारी ही जनरेशन को हम लोग यहां पर डिस्कस कर लेते कि किसमें क्या चीजें हैं। ठीक है, सबसे पहले यदि हम लोग बात करें कि इसमें क्वेश्चन जो है किस तरीके के पूछे जाते हैं, तो दो टाइप के क्वेश्चन आपके यहीं पर प्रिपेयर हो जाएंगे। सबसे पहला, फर्स्ट जनरेशन का जो टाइम था वो क्या था, लाइक 1940 टू 1956 था, ये आपका पहला क्वेश्चन होता है। तो इस तरीके के आंसर आप यहाँ पर बना सकते हैं इसके टाइम के अकॉर्डिंग। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन यदि बनता है तो आपसे कुछ इस तरीके का बन सकता है कि फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर था उसमें कौन से कंपोनेंट यूज़ किए गए थे, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, सेकेंड में ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया था, थर्ड आईसी, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर का, और फिफ्थ में एआई टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी, कंपोनेंट यहां पर यूज किए जाते थे। ठीक है, तो दो टाइप के क्वेश्चन आप यहां से कवर कर सकते हैं। अगर इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं तो इजीली आप यहां पर कवर कर पाएंगे। इसके अलावा जो क्वेश्चन बनते हैं उसके अलावा इस पे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के कुछ एग्जांपल्स दीजिए, है ना, फर्स्ट कंप्यूटर किसने डेवलप किया, इस तरीके के कुछ क्वेश्चन बनेंगे। कुछ ड्रॉबैक्स पूछे जा सकते हैं, है ना, कुछ लिमिटेशंस जो होती है वो पूछी जा सकती है। तो वन बाय वन करके सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक पेपर में आप मानकर चलिए कि एक से दो क्वेश्चन आपका यही बन जाएगा, क्योंकि 20 में से एक से दो क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपसे फुल फॉर्म के पूछ लिए जाते हैं, कुछ थोड़ा सा आपका स्टैटिक पूछ लिया जाता है इसके अंदर। तो वन बाय वन करके हम लोग सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे। यदि इसकी फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो 1940 से 1945 से इसकी शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट जनरेशन की शुरुआत हम लोग बोल देंगे 1940 से 1945 के मध्य में, और 1956 तक ये चलती है। और पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब या निर्वात ट्यूब या जिसको थर्मियन वाल्व बोला जाता है उसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ये कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते थे और इस पर प्रोग्राम लिखना काफ़ी ज़्यादा टफ टास्क होता था। ठीक है, अब यदि एग्जांपल की हम लोग बात करें तो एग्जांपल में आप देख सकते हैं एनेक हो गया, एडवेक हो गया, एडसेक हो गया और यूनिवेक हो गया। अब कुछ क्वेश्चन आपसे फुल फॉर्म के पूछे जाते हैं कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एडवेक, यूनिवेक, इनका फुल फॉर्म क्या है, या फिर इसको कहाँ पर डिज़ाइन किया था, किसने डिज़ाइन किया था। ठीक है, तो हम वन बाय वन करके सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेते। उससे पहले सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था एबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर
एटनोस ऑफ बैरी कंप्यूटर जो है यही क्या है, एबीसी का फुल फॉर्म है। ठीक है, एबीसी कंप्यूटर कौन सी जनरेशन का है? एबीसी कंप्यूटर हमारा फर्स्ट जनरेशन का है, यानी कि 1940 से 1956 के मध्य इसको डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है और फर्स्ट मशीन है जिसके अंदर यूज़ किया गया था वैक्यूम ट्यूब्स का। ठीक है, इसमें लगभग 300 वैक्यूम ट्यूब्स जो है, निर्वात ट्यूब जो है, इनका प्रयोग किया गया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए यहाँ से एक क्वेश्चन, तो एबीसी का फुल फॉर्म वो पूछ सकता है। तो ये आपका एबीसी का फुल फॉर्म फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था और फर्स्ट मशीन थी जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स लगाए गए थे। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंप्यूटर की बात कर ली। अब यदि हम लोग एनेक की बात करें, तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है जिसको जॉन एकर्ट और जॉन माइकल जो है इन्होंने डिज़ाइन किया था 15 फरवरी 1946, 15 फरवरी 1946 को इसको डिज़ाइन किया गया था। और कहाँ पर डिज़ाइन किया गया था? यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर इसको डिज़ाइन किया गया था। अब एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि एनेक का फुल फॉर्म क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर जो है इसका यहाँ पर फुल फॉर्म होगा। देखो एक क्वेश्चन तो आसान सा बन जाएगा कि इसका फुल फॉर्म बता दो। ठीक है, और थोड़ा सा एडवांस पे चलेगा तो आपसे इससे इसका पूछ सकता है कि इसको कब डिज़ाइन किया गया था। तो अब आप ये देख लीजिए कि एनेक, एडवेक, एडसेक और यूनिवेक हो गया, ये चारों के चारों फर्स्ट जनरेशन के हैं, और प्लस एबीसी, ये सारे क्या है, फर्स्ट जनरेशन के। मतलब कि इनको जो डिज़ाइन किया गया होगा 1940 से 1956 के बीच में डिज़ाइन किया गया होगा, राइट? तो अब आप इसके अंदर ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं, मान लो आपके पास चार ऑप्शन है और चार में से तीन दे रखे हैं जो 1956 से बाद के हैं या 1940 से पहले के, तो उनको आप वैसे ही कट कर देना, क्योंकि ये चारों के चारों कंप्यूटर जो है इसी के बीच में डिज़ाइन किए होंगे। फर्स्ट जनरेशन है, वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ है, मतलब 1956 तक बने होंगे। तो एनेक को जो है 46 के अंदर डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, 1946 के अंदर डिज़ाइन किया गया था, यूएसए में किया गया था, इन दोनों ने मिलकर बनाया था। और इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो गया सेकंड। और इसकी यदि बात कर ले, आप इसको देख लीजिए, इस तरीके से रूम की साइज़ के होते थे। ठीक है, इतना बड़ा इसका आकार होता था। ठीक है, तो 13 to 50 feet, और इसका वेट बोले तो 30 टन था। 18,000 जो है वैक्यूम ट्यूब यानी कि निर्वात ट्यूब का इसके अंदर प्रयोग किया गया था। 70,000 जो है ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, और 10,000 समथिंग कैपेसिटर्स थे। ठीक है, इसका डिटेल है तो आप इतना याद रख सकते हैं कि ये साइज़ में काफ़ी बड़े हुआ करते थे, एक रूम का साइज़ का था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता था, कई गुना शक्तिशाली था, मतलब ये भी उतनी ही कैलकुलेशन, फास्ट कैलकुलेशन यहाँ पर कर सकता था, लेकिन इसका जो आकार है ये काफ़ी ज़्यादा बड़े हुआ करते थे, साइज़ में ये काफ़ी ज़्यादा बड़े हुआ करते थे। ठीक है, आज के कंप्यूटर से यदि, आज की टेक्नोलॉजी से यदि हम लोग इसको कंपेयर करें। ठीक है, दूसरे पॉइंट की बात हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, एडसेक की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो देखो इलेक्ट्रॉनिक तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिले, डी से यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, अब ये क्या करता है, कैलकुलेशन पर्पस के लिए इसको डिज़ाइन किया गया था, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसको 1949 के अंदर डिज़ाइन किया गया था। देखो एडवेक जो था 1946 के अंदर, एडसेक जो था 1949 के अंदर, एम वी विल्के जो है इनके द्वारा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर इसको डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, तो ये किसकी जानकारी हो गई, एडसेक की जानकारी हो गई, है ना। अब यदि हम लोग बात करें एडवेक की, तो इसका जो डेवलपमेंट हुआ है 1950 के अंदर, 1950 के अंदर इसको यहाँ पर डिज़ाइन किया गया था। इसका पूरा नाम क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, पीछे आप देख सकते हैं एसी ऑटोमेटिक कंप्यूटर हो गया, और ये क्या है, डिस्क्रीट वेरिएबल है। इससे पहले जो आपने पढ़ा उसमें क्या था, डिले था। ठीक है, अब यहाँ से D4 क्या हो जाएगा, डिस्क्रीट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर क्या खासियत थी, थर्ड नंबर का है तो डेफिनेटली टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पर थोड़ी सी इंप्रूव हुई होगी। इसमें कंप्यूटर के अंदर डेटा और अनुदेशन, जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको स्टोर करके रखा जा सकता था। ठीक है, पहले वाले कंप्यूटर की यदि हम लोग बात करें तो वो कैलकुलेट करते थे, है ना, इस तरीके की चीज़ें होती थी। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने स्टोरेज करना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, मतलब चीज़ों को हम लोग यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हैं। इससे कंप्यूटर के काम की गति जो है, स्पीड जो है, यहाँ तक आते आते, एडवेक तक आते आते तेज हो गई थी, क्योंकि कंप्यूटर जो है आंकड़े, डेटा और अनुदेशन इंस्ट्रक्शन जो है उसके माध्यम से जल्दी वहां तक पहुंच जाते थे। जो लाइक हमने जो भी सर्च किया, जस्ट एन एग्जांपल, अभी हम लोग गूगल से इसको देखे, गूगल पर हम कुछ भी करते हैं तो विद इन अ सेकंड, विद इन अ मिली सेकंड हमको रिजल्ट्स यहां पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये क्या करता था, डेटा को स्टोर करके रख सकता था। ये खासियत थी हमारे एडवेक की, जो कि फर्स्ट जनरेशन का था। अनुदेशन को सुरक्षित रखने का एक लाभ और यह था कि कंप्यूटर द्वारा स्वयं तर्कसंगत निर्णय लिया जाता था। ठीक है, हमने डेटा को
कलेक्ट किया, मान लो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है ये हमने वहाँ पर स्टोर करके, सारे इंस्ट्रक्शंस वहाँ पर स्टोर करके रख दिए। अब मुझे ये पता करना है कि केवल एडवेक का फुल फॉर्म क्या है, तो कंप्यूटर क्या करेगा, एडवेक क्या करता था, डायरेक्टली उसका फुल फॉर्म निकाल कर दे देगा। वो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, जो सिर्फ हमें चाहिए होती है उसको वहाँ पर निकाल कर दे देगा। मतलब कंप्यूटर यहाँ पर सेल्फ रैशनल डिसीजन जो है ले सकता था। ठीक है, तो ये खासियत हो गई यहाँ पर एडवेक की। तो कितने टाइप अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिए, सबसे पहले हमने डिस्कस किया यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन का जो एनेक था उसके बारे में। ठीक है, क्या फुल फॉर्म था इसका, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, फर्स्ट नंबर का। ठीक है, 1946 के अंदर आया था। उसके बाद हमने किसके बारे में डिस्कस किया, जो सेकेंड नंबर था, एडसेक के बारे में डिस्कस किया था, राइट। तो अब इसका एडसेक जो हमने डिस्कस किया उसका फुल फॉर्म क्या था, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। आपको सारे ही फुल फॉर्म याद करने होंगे, हो सकता है आपको एग्जाम के अंदर इन्हीं का फुल फॉर्म पूछ ले इस वाले चैप्टर से। जो उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया एडवेक, आपके सामने रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, तो ये तीन टाइप के कंप्यूटर हो गए। फोर्थ में हम लोग यूनिवेक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यूनिवेक हमें किसके बारे में बताता है, यूनिवेक का फुल फॉर्म देख लो सबसे पहले। तो यूनिवेक का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या होगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनि से आपका यूनिवर्सल हो जाएगा, है ना, ऑटोमेटिक कंप्यूटर जो है यूनिवेक का यहाँ पर फुल फॉर्म हो जाएगा। कब डिज़ाइन किया गया था, 1951 के अंदर इसको डिज़ाइन किया गया था। किसके द्वारा, जे एकर्ट के द्वारा और जॉन मैकल जो है इनके द्वारा इसको डिज़ाइन किया गया था। याद होगा आपको जॉन मैकल जो फर्स्ट जनरेशन में जिन्होंने कंप्यूटर डिज़ाइन किया था, है ना, उन्हीं ने जो है यूनिवेक को यहाँ पर डिज़ाइन किया है। ठीक है, मतलब फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर है, एनेक, ई एन आई ए सी, ठीक है, इन्होंने ही बनाया था एनेक को, और उसी के बाद यूनिवेक को भी जॉन एकर्ट और जॉन मैकल ने 1951 के अंदर रेडी किया था। इसका फुल फॉर्म आप लोगों ने देख लिया, और इसका जो है यह व्यावसायिक अनुप्रयोग यानी कि बिजनेस पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किया गया पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। बिजनेस पर्पज़ के लिए इसको डिज़ाइन किया गया था। ओके, चलिए आगे बात हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स की यदि बात की जाए, तो वैक्यूम ट्यूब जो है उस समय अकेले एक ऐसे कंपोनेंट है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में प्रयोग किए जाते थे। तो यहाँ पर कंप्यूटर को डिज़ाइन करने के लिए किसका प्रयोग किया गया, वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया। उस टाइम पर रजिस्टर, ट्रांजिस्टर हो गए, कैपेसिटर्स हो गए, है ना, इन सब का प्रयोग नहीं किया जाता था। तो वैक्यूम ट्यूब के माध्यम से कंप्यूटर को डिज़ाइन किया गया, बनाया गया था। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार ट्यूब के माध्यम से ही पॉसिबल हो पाया। इस समय तीव्र गति से गणना करने वाली अकेले यंत्र जो मिली सेकंड के अंदर क्या कर सकते थे, कैलकुलेशन यहाँ पर कर सकते थे। ठीक है, अब इसके लिमिटेशंस आपको देखने से ही समझ में आ गई। यदि हम लोग नॉर्मली बात करें, है ना, तो एक तो साइज बहुत बड़ा था। ठीक है, अगर साइज बड़ा है तो उसकी जो रिलायबिलिटी है वो इतनी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये दो पॉइंट तो यहीं से हो गए। हज़ारों वैक्यूम ट्यूब्स लग रहे थे बनाने में, तो अगर हज़ारों वैक्यूम ट्यूब्स लगे तो डेफिनेटली यहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा होगी, तो उसको कूलिंग करने के लिए हमें यहाँ पर उसको ठंडा करने की आवश्यकता पड़ती थी। तो कूलिंग फैन वगैरह लगाने की आवश्यकता पड़ती थी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, तो ये चारों इसके ड्रॉबैक हो गए। अब यदि कोई भी हार्डवेयर में हल्की सी भी दिक्कत हो जाती थी तो पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पर बिगड़ जाता था। नियमित देखभाल की इसको आवश्यकता पड़ती थी, मतलब इसका मेंटेनेंस काफ़ी कॉस्टली हुआ है। ठीक है, अवहनीय थे, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर आप इसको नहीं ले जा सकते, मतलब नॉन पोर्टेबल ये यहाँ पर थे। कार्य करने योग्य बनाने के लिए कंप्यूटर के प्रभाग जो है जितने भी हिस्से होते थे उसको स्वयं डिज़ाइन करना पड़ता था, स्वयं जोड़ने पड़ते थे। तो ये इसका एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक माना जा सकता है। ये काफ़ी कॉस्टली होते थे, तो इससे व्यावसायिक उत्पादन जो है, लाइक हम लोग कोई भी बिजनेस वगैरह करना चाहते तो उसके लिए इसको कम यूज़ किया जाता था। कोई स्पेसिफिक यूज़र्स हो गए, है ना, साइंटिस्ट वगैरह हो गए, तो उन्हीं के लिए इसको अलॉट किया जाता था, उन्हीं के लिए इनको डिज़ाइन किया जाता था। ठीक है, चलिए अब यदि हम लोग सेकेंड टाइप की यहाँ पर बात करें, सेकेंड जनरेशन की बात करें, तो हमने देखा था सेकेंड जनरेशन का जो समय था 1956 से 1963 के बीच का था। ठीक है, 1955 के आसपास क्या हुआ, ट्रांजिस्टर बनने लग गए। तो अब हमने क्या करा, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस कर दिया यहाँ पर किसके माध्यम से, ट्रांजिस्टर के माध्यम से। अब आप देख सकते हैं वैक्यूम ट्यूब जो है यदि इस साइज के होते हैं तो ट्रांजिस्टर केवल आपका इतना छोटा सा होता है। ठीक है, इसके तीन लेग होते हैं। ठीक है, इस तरीके का ये ट्रांजिस्टर होता है। तो आप देख लें वैक्यूम ट्यूब के कंपैरिजन में ट्रांजिस्टर हमारे कितने छोटे हुआ करते हैं। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके हम लोगों ने क्या कर लिया, ट्रांजिस्टर का प्रयोग कर लिया। अब यदि हमने ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया है तो डेफिनेटली जो है उसका साइज काफ़ी कम हो गया होगा, है ना। जहाँ पर आप एक वैक्यूम ट्यूब लगाते हैं वहाँ पर आप कई सारे ट्रांजिस्टर प्रयोग कर सकते थे। विद्युत ट्यूब इलेक्ट्रिक ट्यूब की अपेक्षा ट्रांजिस्टर बहुत छोटे होते हैं और उनकी काम करने की स्पीड जो है काफ़ी ज़्यादा होती है। इसमें कोई फिलामेंट नहीं होता है और उन्हें ऊष्मा की आवश्यकता भी नहीं होती है। इनकी निर्माण लागत भी बहुत कम थी। इस प्रकार कंप्यूटर के आकार में इसका साइज काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था सेकेंड जनरेशन आते आते। ठीक है,
अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपसे ये पूछी जाती है कि कौन सी जनरेशन के अंदर जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग किया गया। प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है कि कौन सी जनरेशन के अंदर जो है प्रोग्रामिंग भाषा जो होगी लाइक फोर्ट्रन वगैरह होगा इसका प्रयोग किया जाने लगा। CPU स्टार्ट हो गया था, है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी का प्रयोग किया जाने लगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेज इसके अंदर प्रयोग किए जाने लगे। तो कौन सी जनरेशन थी? सेकेंड जनरेशन के अंदर, यानी कि 1956 से 63 के बीच में ये सारी टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी थी। ठीक है, अब प्रोग्राम की भाषा जो इसमें जो प्रोग्रामिंग की जाती थी वो कोबोल के अंदर, फोर्ट्रेन के अंदर, है ना, इसी समय पर सेकेंड जनरेशन के टाइम पे ही विकसित हुई थी। अब यहाँ पर आप कुछ यदि एग्जांपल देखना चाहें, किसके भी कुछ एग्जांपल होंगे जो इस समय डेवलप किए गए होंगे, तो क्या क्या एग्जांपल यहाँ पर थे, देखो आपके यहाँ पर जो है IBM की सीरीज चलेगी, ये ही सीरीज आपको थर्ड जनरेशन में, है ना, नेक्स्ट आगे जो अपकमिंग जनरेशन है फोर्थ में भी देखने को मिलेगी। तो आपको ये नंबर याद रखना पड़ेगा, IBM की जो सीरीज थी 1620 यानी कि 1620, है ना, IBM की जो सीरीज थी 1401, ये दोनों की दोनों सीरीज आपकी डेवलप हुई है सेकेंड जनरेशन के अंदर। आकार इसका छोटा था, इसको किसके लिए प्रयोग किया जाता था, जो साइंटिफिक वर्क थे लाइक वेदर फोरकास्टिंग करना है, मौसम का पूर्वानुमान लगाना है, तो उसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करते थे, साइंटिस्ट लोग इसका प्रयोग करते थे। तो IBM की 1620 सीरीज हो गई, IBM की 1401 सीरीज हो गई। ठीक है, इसको बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया जाने लगा, छोटा साइज इसका था। CDC की 3600 नंबर की जो सीरीज थी इसका आकार बड़ा था और वैज्ञानिक कार्यों के लिए इसको प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा यदि हम लोग बात करें तो IBM 7094, है ना, CDC 1604, CDC 3600, है ना, और यूनिवे 1108 जो है इसके उदाहरण है, मतलब इसके एग्जाम्पल से जो डिजाइन किए गए थे सेकेंड जनरेशन के अंदर। ठीक है, अब इसका लाभ क्या क्या हुआ, मतलब इसके क्या क्या फायदे हुए। सबसे पहले तो साइज में छोटा था तो इनकी रिलायबिलिटी जो थी, विश्वसनीयता थी, काफ़ी अच्छी थी। कम हीट जो है ये पैदा करते थे जिसकी वजह से इसको इतनी ज़्यादा जो है कूलिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती थी जितनी कि फर्स्ट जनरेशन को लग रही है। ठीक है, अब हमने देखा कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर हमको मिली सेकेंड्स के अंदर रिजल्ट मिल रहे थे, तो यहाँ पर उससे और कम माइक्रो सेकेंड्स हो गया, है ना, तो फास्ट कैलकुलेशन यहाँ पर हो गई। अगर देखो साइज़ कम है तो वो टूट फूट वाली जो चीज़ें होती है कि हार्डवेयर ख़राब हो गए, तो वो चीज़ों के चांसेस थोड़े कम हो गए। और व्यावसायिक उत्पादन बिजनेस पर्पसेस को डिज़ाइन किया जाने लगा, लाइक किसी भी कंपनी को इसकी आवश्यकता है तो हम लोग उसको डिज़ाइन करके उसको सेल कर सकते थे, जो कि फर्स्ट जनरेशन में पॉसिबल नहीं था। ठीक है, क्योंकि वैसे ही वो पोर्टेबल नहीं थे तो कोई भी व्यक्ति उसको यूज़ नहीं कर सकता था। अगर किसी को चाहिए भी तो उसके वहां जाकर आप उसको कई सालों तक बैठकर बनाइए, वैसी वाली चीजें होती थी। ठीक है, अब इसके भी कुछ लिमिटेशंस थे, तभी तो थर्ड जनरेशन में नए टाइप के कंप्यूटर्स को डेवलप किया गया। वातानुकूलन, अगेन इसको ट्रांजिस्टर वगैरह भी है तो थोड़ी इसको कूलिंग की तो आवश्यकता थी, मतलब यहाँ पर इसको कूलिंग करने की आवश्यकता है, नियमित देखरेख भी इसका आवश्यक था। इसमें कलपुर्जे जितने भी डिवाइसेस वगैरह आप इनबिल्ट यहाँ पर कर रहे हैं तो उसको स्वयं जोड़ना पड़ता था चीज़ों में, जो सारा टाइम टू टाइम हम लोगों को वही मेंटेनेंस वगैरह वही सारी चीज़ें चाहिए थी। और व्यावसायिक उत्पादन अब भी महंगा और जटिल था, मतलब फिर भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, कोई भी नॉर्मल पर्सन अभी तक इसको बाय नहीं कर सकता था। फिर हम लोग आए थर्ड जनरेशन की तरफ। ठीक है, तो इसकी शुरुआत जो इसकी स्टार्टिंग जो मानी जाती है 1964 से 1971 तक मानी जाती है। ठीक है, ये कौन सी जनरेशन हो गई आपकी? थर्ड जनरेशन। अब इसमें जो टेक्नोलॉजी वो थोड़ी सी और इम्प्रूव हुई, इसमें यहाँ पर माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स तकनीक के आविष्कार में बड़ी संख्या में सर्किट एलिमेंट को बहुत छोटी सी सिलिकॉन चिप के अंदर डिजाइन किया जाने लगा, और इसी से इसका नाम क्या हो गया? इंटीग्रेटेड सर्किट। देखो इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? एकीकृत करना, है ना, हमने इंटीग्रेटेड एजुकेशन के बारे में पढ़ा है। तो अब इसमें क्या किया जाने लगा? एक सिलिकॉन चिप होती है, सिलिका की एक ये चिप होती है, लाइक जैसे हमने देखा कि ट्रांजिस्टर वगैरह सेकेंड जनरेशन में आए थे। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ रहा था? एक एक ट्रांजिस्टर को यहाँ पर लगाना पड़ रहा था। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके अंदर कई सारे ट्रांजिस्टर को एक ही साथ बिल्ड कर सकते हैं, और इस चिप को उठाओ और जहाँ पर भी आपको प्लेस करना है, जहाँ पर भी इसको डिज़ाइन करना है, वहाँ पर जाकर आप इसको लगा दीजिए। तो इससे जो समय भी काफ़ी बचने लगा उस चीज़ों को बनाने के लिए, है ना, और यहाँ पर ही हम लोग बोल सकते हैं कई सारी टेक्नोलॉजी आ गई थी जिसकी वजह से साइज इसका काफ़ी रिड्यूस हो गया था, काफ़ी ज़्यादा कम हो गया था। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब जितनी भी चीज़ें आपको लग रही है, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, सबको एक चिप के अंदर आप लगाकर कहीं पर भी इसको प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस इंटीग्रेटेड, इस आईसी जो है इंटीग्रेटेड सर्किट है, आईसी की मदद से निर्मित कंप्यूटर तीसरी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व शुरुआत करता है, मतलब यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब आप एग्जांपल देखना चाहें तो IBM की कौन सी सीरीज है इसके अंदर? 360, 360, 360, हनीवेल 6000, PDP यानी कि पर्सनल डाटा प्रोसेसर, और IBM 370, 168 जो इसकी सीरीज है, जो कि थर्ड जनरेशन के टाइम पे डिज़ाइन किए गए थे। अब इसके फायदे क्या हुए? देखो जो सेकेंड जनरेशन के ड्रॉबैक थे वो सारे के सारे इसके फायदे हो जाएंगे। सबसे पहले तो में काफ़ी कम है ये, है ना, फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन के, और काफ़ी रियलेबल होते हैं,
अधिक विश्वसनीय होते हैं, कम गर्मी मतलब हीट काफ़ी कम होती है, उष्मा काफ़ी कम ये करते हैं। ठीक है, गणना के लिए जो समय था, अब सेकेंड जनरेशन में माइक्रो हुआ करता था, ठीक है, अब यहाँ पर ये नैनो, विद इन नैनो सेकेंड्स जो ये आपको कैलकुलेट करके दे सकता है, आपको रिजल्ट दे सकता है। ठीक है, अब ये जो हार्डवेयर वगैरह का जो दिक्कत था और काफ़ी कम हो गया, क्योंकि एक ही सिलिकॉन चिप के अंदर सारी चीज़ें बिल्ट हो गई। ठीक है, आसानी से बनी, पोर्टेबल थे, व्यावसायिक उत्पादन किया जाने लगा। अब जिन जिन भी कंपनीज को आवश्यकता थी उनको हम लोग बनाकर दे सकते थे। ऊर्जा की आवश्यकता इनको कम पड़ती है ना, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है ये कम यूज़ करेंगे कंपेरेटिवली फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन। अब सभी कल्प ऊर्जा स्वयं जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आप देख लेंगे कि एक सिलिकॉन चिप के अंदर बहुत सारी चीज़ें, तो कई सारी चिप्स के अंदर आप लोग एक डिज़ाइन करके दे सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बोल सकते हैं कि आपको ऐसे जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप उसको सेल कर सकते हो। ठीक है, अब भी इसकी कुछ लिमिटेशंस है कि आईसी को जिसका मेंटेनेंस रहता है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आईसी चिप के निर्माण के लिए काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक यूज की जाती है, प्रयोग की जाती थी। ठीक है, वातानुकूलन बनाए रखने के लिए इसमें अगेन एयर कंडीशनिंग हमको चाहिए होता था, ताकि हमारा जो सिस्टम है वो थोड़ा कूल रहे। ठीक है, तो अब यहाँ पर थर्ड जनरेशन की बात हो गई, अब हम लोग बात कर लेते हैं फोर्थ जनरेशन की। देखो, अब जो फोर्थ जनरेशन की शुरुआत होती है 1972 से होती है, 1972 से जो आपकी फोर्थ जनरेशन हो जाएगी, जो 1990 तक ये चलेगी। ठीक है, अब हमने देखा था कि आईसी यहाँ पर डेवलप हो चुकी थी थर्ड जनरेशन तक। ठीक है, तो अब आईसी के अंदर क्या किया जाने लगा, एक आईसी के अंदर हम लोग बोल सकते हैं 10 से 20 संख्या में सर्किट होते थे। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन बोलते थे। ठीक है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन टेक्निक का यहाँ पर प्रयोग किया गया, जिसमें एक आईसी के अंदर हम लोग 10 से 20 की संख्या में जो है सर्किट्स लगा सकते थे। आगे चलकर जो है यहाँ पर जो है 100 हो गई, मतलब उसके अंदर जितने भी डिवाइसेस लगते थे अब हम लोग क्या कर सकते, एक आईसी के अंदर 100 लगा सकते हैं। ठीक है, जो मीडियम स्केल इंटीग्रेशन के नाम से प्रचलित हुई, मतलब जो उसके आगे जो टेक्नोलॉजी वो MSI थी, जिसको हम लोग बोलते हैं मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी जनरेशन के अंदर LSI, MSI, SSI और VLSI टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया, तो ये फोर्थ जनरेशन के अंदर था, क्योंकि एक ही माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हम लोग क्या करते थे, इन सारी चीज़ों को एक साथ लगा सकते थे। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ आईसी जो है एक ही माइक्रो प्रोसेसर्स के अंदर लगाई जा सकती थी। ठीक है, तो LSI पूछा जाए, LSI देखो यहाँ पर LSI क्या होगा, लार्ज स्केल, मतलब लार्ज स्केल मतलब एक ही आईसी के अंदर अब कई सारे जो सर्किट्स हैं, लाइक ट्रांजिस्टर हो गए, कैपेसिटर हो गए, रजिस्टर्स हो गए, इंडक्टर्स हो गए, इन सभी को क्या कर सकते हैं एक ही साथ, लगभग 30,000 से भी ज़्यादा जो है एक ही छोटी सी चिप के अंदर आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब टेक्नोलॉजी यहाँ तक आते आते काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी थी। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ लिया, SSI पढ़ लिया, मतलब 10 से 20 की संख्या में हम लोग उसके अंदर लगा सकते हैं। फिर MSI की बात करें तो लगभग 100 तक हम लोग, लाइक एक आईसी हमारे सामने रखी हुई है, इसके अंदर 100 अलग अलग सर्किट जो है हमने यहाँ पर डिज़ाइन कर लिए हैं। ठीक है, इस तरीके से फिर इसी आईसी के अंदर हम लोग LSI टेक्नोलॉजी में 30,000 से भी ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर इसके आगे आने वाली बात करें VLSI, तो VLSI के अंदर हम लोग कई सारी मात्रा में जो है यहाँ पर सर्किट्स इसके अंदर लगा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ इनबिल्ट यहाँ पर कर सकते हैं, 1 मिलियन से भी ज़्यादा चीज़ों को हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, भविष्य में और ज़्यादा ये डेवलप होगी। ठीक है, अब ये जो LSI है, जितने भी टेक्नोलॉजी के थ्रू डिज़ाइन किया गया LSI, SSI, MSI और VLSI, अब ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी हम लोग बोल सकते हैं, इसको फ्यूचर कंप्यूटर का डेवलपमेंट हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, इसी के थ्रू जो है यहाँ पर सुपर कंप्यूटर्स वगैरह जो गए उनको डेवलप होना आसान बनाया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख ले इसके कुछ एग्जाम्पल्स, यदि आपसे पूछा जाए कि फोर्थ जनरेशन के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, तो IBM 4341, DEC 10, STAR 1000 और PUP 11 जो है ये सारे के सारे आपके फोर्थ जनरेशन के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब इसके फायदे क्या क्या हो जाएंगे, देखो थर्ड जनरेशन के जो ड्रॉबैक होंगे वो सारे के सारे यहाँ पर कवर हो जाएंगे। आकार में छोटे थे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रिलायबल हम लोग बोल सकते हैं, उष्मा बहुत ही कम मात्रा में इनका उत्सर्जन होता है, मतलब हीट काफ़ी कम निकलती है, तो इसमें कूलिंग की इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना। पिछली पीढ़ियों की तुलना में स्पीड इसकी काफ़ी ज़्यादा थी। अब नैनो सेकेंड हमने देखा था पिछली वाली जनरेशन में था, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, पीको सेकेंड में, मतलब और कम समय में ये आपको रिजल्ट दे देगा। रख रखाव मेंटेनेंस इतना कॉस्टली इसका नहीं पड़ता है, छोटे आकार के कारण मतलब पोर्टेबल है, आप इजीली एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसको लेकर जा सकते हैं। डेली लाइफ में अब हर इंसान के घर में यहाँ तक आते आते कंप्यूटर आ चुका था, इनको स्वयं जोड़कर तैयार नहीं करना होता, इसलिए इसमें इतना मेंटेनेंस और खर्च जो है इतना ये कॉस्टली नहीं पड़ता। और सारे पिछले कंप्यूटर
की यदि हम लोग तुलना करें फर्स्ट सेकेंड थर्ड जनरेशन की, तो ये सस्ते हुआ करते थे। ठीक है, अब इसकी लिमिटेशंस क्या थी, इसमें जो चिप लगती थी, आईसी चिप के निर्माण में बहुत अधिक आधुनिक और उन्नत तकनीक की आवश्यकता होती थी। मतलब काफ़ी ज़्यादा हम लोग बोल सकते हैं टेक्नोलॉजी और ये सब चाहिए होता था, क्योंकि LSI और इन सबसे यदि आप डिज़ाइन करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि इसमें जो डिज़ाइन किया जाता था, इंटीग्रेटेड किया जाता था चीज़ों को, तो उसमें काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी हम लोगों को चाहिए होती थी, क्योंकि हम लोगों को मिलियंस ऑफ जो सर्किट्स है एक माइक्रो प्रोसेसर के अंदर डिज़ाइन करने होते हैं। राइट, चलिए अब नेक्स्ट जनरेशन की बात कर ले, फिफ्थ नंबर की जनरेशन की बात कर ले। तो 1990 से जो अभी तक चला आ रहा है, ये फिफ्थ जनरेशन हमारी कहलाएगी, जिसमें आप डेस्कटॉप यहाँ पर बोल सकते हैं, लैपटॉप बोल सकते हैं, नोटबुक, अल्ट्रा बुक और क्रोम बुक, ये सारे के सारे आपके किसके अंदर आएंगे, फिफ्थ जनरेशन के अंदर इनको कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया जाता है, सुपर कंप्यूटर्स वगैरह इन सब में यही सारी टेक्नोलॉजी यूज़ की जाएगी। अब यदि इसके फायदे हम लोग देख लें, इसके क्या क्या प्रॉफिट हैं, तो ये विभिन्न आकार, ये अलग अलग शेप में आपको दिखाई जा दे सकते हैं, ये इतने छोटे से लेकर इतने बड़े भी ये हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस पर्पज़ से इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये अधिक विश्वसनीय है, तेज़ी से ये काम करता है ना, मल्टीमीडिया फीचर्स भी इसके अंदर आपके इनबिल्ट रहेंगे। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है, ये लो लेवल लैंग्वेज का उपयोग करते हैं और मानव मस्तिष्क को सुस्त और कमज़ोर, मतलब वही कि एक सारी चीज़ें यदि हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से कर रहे हैं तो ब्रेन का यूज़ काफ़ी कम करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। ओके, तो ये पांच जनरेशन की बात हम लोगों ने यहाँ पर कर ली, फर्स्ट टू फिफ्थ की क्या क्या चीज़ें हैं। इन शॉर्ट यदि आप देखें तो फर्स्ट जनरेशन में आपने ट्यूब के माध्यम से देखा कि वैक्यूम ट्यूब का, सेकंड में हम लोग ट्रांजिस्टर पर आ गए थे, थोड़ा सा एडवांस हम लोग हुए, थर्ड तक आते आते हमने एक आईसी के माध्यम से जो है कंप्यूटर स्टार्ट किया, फोर्थ में हम लोग माइक्रो प्रोसेसर तक आ गए, ताकि कंप्यूटर का साइज थोड़ा छोटा हो गया और जो एक नॉर्मल पर्सन जो होता है वो भी यहाँ पर कंप्यूटर को बाय करने लगा। फिफ्थ तक बात करें तो AI का यूज़ हम लोग यहाँ पर करने लगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, नॉर्मल अबेकस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो अबेकस क्या था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, मैकेनिकल कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर था, या फिर यांत्रिक कैलकुलेटर था। तो अबेकस में हमने देखा है कि कहीं इलेक्ट्रिसिटी की नीड तो होती नहीं, तो जहाँ जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक लिखा हुआ है आप उसको कट कर दीजिए। क्या ये मैकेनिकल कंप्यूटर है या फिर ये कैलकुलेटर है, तो हमको पता है ये एक टाइप का कैलकुलेटर होता है, जो जस्ट एक कैलकुलेशन पर्पज़ से यूज़ किया जाता था। तो अबेकस जो है एक याद, यूनिवेक जो अपने फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर देखा था 1951 के अंदर, इसको डिज़ाइन किया गया था जॉन एकर्ट और जॉन माइकल के द्वारा। तो इसका फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सल ऑटोमेटेड कंप्यूटर, सेकेंड नंबर पे केवल ऑटोमेटेड कंप्यूटर लिखा हुआ है तो इनकरेक्ट हो जाएगा, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटेड कंप्यूटर। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल ऑटोमेटेड कंप्यूटर, यानी कि ऑप्शन नंबर वन जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग कर लेते हैं। ABC जो है, निम्नलिखित में से कौन एक विशेष उद्देश्य वाला कंप्यूटर है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, इनमें से कौन सा है, ABC है, एनेक है, एडवेक है, या ऊपर के तीनों। तुमको पता है स्पेशल पर्पस जो कंप्यूटर था वो कौन सा था, ABC था। ठीक है, ABC का प्रयोग सबसे फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था, ये 300 वैक्यूम ट्यूब से इसको यहाँ पर डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर आपका कौन सा हो जाएगा, ABC हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका फुल फॉर्म क्या था, है ना, तो इसका फुल फॉर्म था यहाँ पर एटिनसॉफ बैरी कंप्यूटर, जो कि 1942 के अंदर इसको डिज़ाइन किया गया था। ठीक है, मतलब इन दोनों के द्वारा कौन सा कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था, तो ABC कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था। और इसका फुल फॉर्म पूछा जाए, इसका ये फुल फॉर्म यहाँ पर हो जाएगा। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन जो है ये क्या है। अभी आपने देखा IBM की सीरीज चल रही थी हमारी, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन के अंदर। तो ये क्या है, ये कंपनी है जो कंप्यूटर्स को यहाँ पर बनाती है, कंप्यूटर को डिज़ाइन करती है। ये कोई अपने आप में चिप नहीं है, कंप्यूटर का प्रकार नहीं है, मेमोरी डिवाइस नहीं है, इसकी सीरीज चलती है। मतलब ये कंप्यूटर जो स्पेसिफिक कौन सी कंपनी ने डिज़ाइन किया है, IBM ने डिज़ाइन किया, IBM 168 हो गया, है ना, इस तरीके से 378 हो गया, तो ये IBM की अपनी सीरीज चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एक प्रकार की मशीन है जो किसके लिए होती है। ठीक है, मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर शीघ्र गणितीय कैलकुलेशन कर रहा है, इनपुट मैनिपुलेशन स्टोरेज और डेटा और इन सब का आउटपुट हम लोगों को प्रोवाइड करवा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है और रिपीटेटिव टास्क को सही ढंग से करने का कार्य एक मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर करता है। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर लाइक हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं, और हम लोग जिन कंप्यूटर को, जिन लैपटॉप्स वगैरह को यूज़ करते हैं, उसमें ये सारी टेक्नोलॉजी होती है, यानी कि इनपुट मैनिपुलेशन, डेटा को चेंजेस करना, मॉडिफाई करना, है ना, नया बनाना, है ना, तो ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। स्टोरेज, स्टोरेज पावर होती है,
है ना, रैम रोम वगैरह सारी चीज़ें, और डाटा का आउटपुट देना। तो ये सारी चीज़ें एक मॉडर्न कंप्यूटर के अंदर होती है। दैट मीन्स यहाँ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो यहाँ तक आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। इसके आगे वाले सेशन में इसके और आगे के क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो सेशन को ओवर करते, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।